लोकसभा चुनाव 2024 और इस चुनाव के आसपास उठते तमाम बड़े मुद्दे, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, दो बार के सांसद हैं और एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में हैं। जाने माने एक्टर हैं और तमाम पहचान जो लगातार मनोज तिवारी जी के साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका न्यूज नेशन में। उत्तर पूर्वी दिल्ली पर मैं बाद में आऊंगा, पहले उत्तर पूर्वी भारत की बात करता हूं। कांग्रेस के सैम पैत्रोदा का वो बयान जिस पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया, जिसमें सैम पैत्रोदा चमड़ी के आधार पर, चेहरे के आधार पर देश को बांटते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर जिस तरीके का विवादित बयान उन्होंने दिया, क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन जब आपने सुना सैम पैत्रोदा? देखिए, हमें कुछ आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि सैम पैत्रोदा जैसे लोग जो राहुल गांधी जी के गुरु हैं, ऐसा माने जाते हैं, थिंक टैंक हैं कांग्रेस के, वो हमेशा से ही देश को बांटने की ही कोशिश करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के कोशिश करने से अब ये नफरत नहीं होने वाला, फैलने वाला है, देश आपस में प्यार के साथ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सभी को मौका देते हुए, अवसर देते हुए हमारी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस अपना परिचय दे रही है और देश के लोग उनको जवाब देंगे। सैम पैत्रोदा ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रामनवमी, भगवान श्री राम, राम मंदिर, अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, ये दरअसल में आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है सैम पैत्रोदा के मुताबिक। देखिए, कभी उन लोगों को देश की संस्कृति से प्रेम रहा ही नहीं है, सनातन धर्म से इनको कोई प्रेम रहा ही नहीं है। हम तो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी पंथों का आदर करते हैं, लेकिन वो उसमें सनातन धर्म भी तो आता है, उसका भी सभी को आदर हो करना चाहिए, लेकिन वो सनातन धर्म को बार बार बदनाम करते हैं, बार बार नष्ट करने की धमकी देते हैं, लेकिन सनातन धर्म और भी उठ के आ रहा है और उसका मूल भाव है कि सभी धर्मों का सम्मान है, सभी पंथों का सम्मान हो, और वो हमारी सोच है। अब उनके इस तरह से नफरत फैलाने से और अलगाववाद की बात करने से कोई उनके पास आने वाला नहीं। सैम पैत्रोदा के पिछले बयान भी लगातार चर्चा में रहे, इसी चुनाव में उन्होंने विरासत टैक्स का जिक्र किया। आप दिल्ली से दो बार के सांसद हैं, दिल्ली ने 84 के दंगों का दंश झेला है। सैम पैत्रोदा का एक पुराना बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि 84 हुआ तो हुआ, बहुत हल्के में लेने की उन्होंने कोशिश की। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों से कांग्रेस का जो असली चरित्र है वो सामने आता है, पॉलिटिकली डेंट होता है पार्टी? डेंट क्या, मैं तो समझता हूं कि अब कांग्रेस इसी के कारण लोगों के दिमाग और दिल दोनों से गिर गई है, निकल गई है। और सैम पैत्रोदा कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि उनके बारे में ये बताया जाने की ज़रूरत है कि वो किससे जुड़े हुए हैं। सैम पैत्रोदा इज़ थिंक टैंक ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी जी के गुरु के रूप में जाने जाते हैं और उनकी जो भावना है वो कांग्रेस को आज समाप्त कर रही है। इस चुनाव में और भी कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी, इसमें इन बयानों का बहुत बड़ा महत्व होगा और विरासत को बांटने, संपत्ति को बांटने की जो बातें करी हैं जी, इसका जवाब देश देगा अनुराग जी। मनोज जी, इसी से जुड़ा आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब सैम पैत्रोदा के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पल्ला झाड़ रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है या ये पॉस्चरिंग है जब ये एहसास हुआ कि नहीं साहब राजनीतिक नुकसान बहुत हो चुका है? सिर्फ और सिर्फ चूंकि वो कहते हैं ना कि साजिश लीक हो गई, साजिश को वो सोचे भी नहीं होंगे कि
देश में इतनी चर्चा का विषय बन जाएगा, गांव-गांव बच्चे इसका शॉर्ट वीडियो बनाने लगे हैं, इस सोच को गली गली गांव-गांव तक पहुंच गई है ये सोच उनकी। तो अब इस समय कांग्रेस का तो आदत है कि जब उसको देखते हैं कि हमारी जो असली साजिश है वो लीक हो रही है तो उससे वो एक बयान दे करके पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, मगर अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक हैं और कांग्रेस उन्हीं रास्तों पे चल रही है जो सैम पित्रोदा ने कहा है और दिखाया है। लेकिन सैम पित्रोदा ने राम मंदिर का जिक्र किया, भगवान श्री राम का जिक्र किया, आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में सनातन अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर ये भी एक बड़े मुद्दे हैं जनता के बीच में? देखिए इसमें कोई दो राय थोड़ी है, इस देश में विकास भी और विरासत भी ये लोगों के जुबान पे है। बड़ी बड़ी हाईवे, बड़े बड़े मेट्रो लाइन, चांद तक पहुंचना भारत का, वैज्ञानिकों के अपने क्षेत्र में एक से एक उपलब्धियां, वहीं घर के लोगों के घर तक इज्जत घर बनाना, लोगों को बैंकों से जोड़ना, गैस पहुंचाना, और साथ ही साथ हम भारत को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बहुत बड़ी गति से आगे बढ़ते देख रहे हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ इस समय 7.8 के आसपास आ रही है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो इसके साथ साथ हम राम जी का मंदिर माने भारत के विरासत को भी बचा रहे हैं जी, तो एक बड़ा मुद्दा तो है ही। और ये दोनों पटरी की, विकास और विरासत, जो दोनों पटरी पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है उसमें तो देश का प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल है, क्योंकि गरीबों को भोजन भी है, राशन भी है, और चांद तक पहुंचने की क्षमता भी है, और 500 वर्ष पहले किसी ने राम जी का मंदिर तोड़ दिया तो उसको बनाने की हमारी अपनी विजन भी है। लेकिन मनोज जी, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार आप पर, आपकी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी तो समाज को बांटते हुए चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, देशद्रोही राष्ट्रवाद की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है। ये बात मंगलसूत्र की करी किसने? मंगलसूत्र छीनने की बात तो कांग्रेस ने की है कि संपत्ति छीन करके और माइनॉरिटीज़ में दे देंगे, उनका माइनॉरिटीज़ कौन है ये भी पता है। हम तो बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाने और दंगा फैलाने की कोशिश है कांग्रेस की। उनका शासन था तब उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी सच्चाई देश की जनता जान चुकी है, सभी धर्मों के लोग जान चुके हैं, इसलिए सबका साथ सबका विकास की मूल भावना, सभी का आदर करना, वो अगर संभव है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ संभव है। इसलिए अब कोई इस झांसे में कांग्रेस के नहीं आने वाला। लेकिन तिवारी जी, आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार, जो आपके विरोधी हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, वो कह रहे हैं नहीं साहब, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, पूरा जो विपक्ष है वो एक हो गया है इंडिया गठबंधन के बैनर तले, इस बार मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं बीजेपी के लिए, क्या वाकई ऐसा लग रहा है आपको भी? देखिए, वो सभी पार्टियां एक हो करके अगर कोई एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट दे देती तब हम मानते कि ये एक है। ये तो सभी लोग अपने अपने भ्रष्टाचार की गगरी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इनमें आपस में भी किसी के प्रति प्रेम नहीं है और न तो इनके पार्टी के कार्यकर्ता आपस में जुड़ सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, ये जो भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है उनको अच्छी तरह से देश की जनता पहचान चुकी है, और 10 साल बाद नरेंद्र मोदी के लिए और भी ज़्यादा प्यार है। अब तो 70 साल के किसी भी वर्ग का, वो मध्यम वर्गीय हो या गरीबी से ऊपर हो, तो भी उसको फ्री इलाज मिलेगा 5 लाख रुपए का। अब हर लड़के को जो रोजगार करना चाहता है 20 लाख रुपया मिलेगा। अब तो और भी ज़्यादा प्रेम है नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का। इसलिए आप जान लीजिए, ये एंटी नहीं,
ये प्रो है, ये उनके समर्थन में है। नरेंद्र मोदी जी के लिए गली गली नारा लग रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ठीक है, अब मैं दिल्ली पर आता हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों में से 6 जो सिटिंग एमपीज थे उनके टिकट काट दिए। क्या भरोसे की वजह आपको नजर आती है कि सिर्फ आप ही वो इकलौते सांसद हैं जिनका बीजेपी ने टिकट नहीं काटा? इस भरोसे का आधार क्या है? देखिए, भरोसा सिर्फ टिकट मिलने से ही नहीं होता है। हमारे सभी जो सांसद रहे उनके काम बदले हैं, हमें फिर से लड़ने को बोला गया है तो हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम आजकल एक कार्यकर्ता भाव में काम कर रहे हैं और लोगों को खुशी देना, पूरा जहां कहीं नहीं मेट्रो आई वहां मेट्रो लाना, जहां सेंट्रल स्कूल नहीं वहां सेंट्रल स्कूल लाना, जहां ब्रिज नहीं वहां सिग्नेचर ब्रिज बनाना, जहां पे रेलवे स्टेशन नहीं वहां रेलवे स्टेशन बनाना, ये सब हम लोगों का काम है। हम लोगों के लिए निःशुल्क राशन दे सके, हम लोगों के घर तक इज्जत घर दे सकें, हम लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दे सकें, हम अच्छी शिक्षा के लिए लोगों को साधन दे सकें, हम इसमें लगे हुए हैं। इसलिए अनुराग भाई, टिकट कटना और मिलने में कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं होता है। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमको जो काम मिलेगा हम कर रहे हैं। हमें फिर से चुनाव लड़ने को कहा है, हम दिल्ली की 7 सीटें जीत करके देना हमारा जिम्मेदारी है और हम सब कार्य में लगे हुए। मतलब मनोज तिवारी जी हैट्रिक लगा रहे हैं इस बार? 100% ये हैट्रिक लगेगा। और देखिए अनुराग भाई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ना, ये पूरे दिल्ली में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने भी इसको एकदम अनाथ छोड़ दिया था। आपको जब मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहली बार मेट्रो लेके आए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहली बार सेंट्रल स्कूल लेके आए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहली बार रेलवे स्टेशन लेके आए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहली बार नदी पे सिग्नेचर ब्रिज लेके आए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहली बार एक सबसे लंबा एलिवेटेड रोड लेके आए। आज उसके कारण सब ट्रैफिक जाम दूर हो रहे हैं। ट्रिपल डेकर मेट्रो लेके आए हैं, भजनपुरा यमुना बिहार खजुरी वजीराबाद बुराड़ी होते हुए। तो जब इतना चीज़ों से महरूम रखा गया था इस क्षेत्र को जी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोज तिवारी ने ये सब दिया, तो आप समझिए कौन हमसे दूरी बनाएगा। सब लोगों का बहुत प्यार है और हम मनोज तिवारी पक्का एक बार और एक अच्छे मतों से जीत करके हम लोग नरेंद्र मोदी जी के 400 प्लस के उस लिस्ट में शामिल करेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को। लेकिन मुकाबला इस बार दिलचस्प बनता जा रहा है। कन्हैया कुमार आपके खिलाफ चुनावी मैदान में है, हालांकि जमहूरियत की एक खूबसूरती है, लेकिन आपको लगता है कि कन्हैया कुमार के उतरने से थोड़ी चुनौती बढ़ गई है आपके लिए? कन्हैया कुमार जैसे लोगों के आने से हमारी चुनौती बढ़ती नहीं है, बल्कि लोग और जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जी का परिचय ही क्या है। कन्हैया कुमार जी के बारे में किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे, कौन है? और जैसे ही बताएंगे तो दो ही तीन परिचय है इनका, विवादास्पद नारे, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले नारे, आतंकवादियों को घर घर से आतंकवादी निकालने वाले नारे। तो जब कोई भी सुनेगा कि अच्छा यही है जिनका नारा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही है जिनका नारा है कितने अफजल मारोगे, अफजल एक आतंकवादी था, संसद पे हमला करवाया था, उसको देश की कोर्ट ने सजा दिया, और वो कहते हैं कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, वो भारत की सेना को गाली देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के आने से लोग और पहले से ज़्यादा मतदान करते हैं और ज़्यादा मतों से जिता करके भेजते हैं।
तो जीत का आधार आपको क्या नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में पूरा हमारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ साथ पूरी दिल्ली विश्वास करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो दिल्ली में 26 साल से बीजेपी की सरकार नहीं है अनुराग जी, दिल्ली में सड़क बनाने का, गली बनाने का, नाली बनाने का, पानी देने का साफ घरों में, यमुना जी को साफ करने का, हवा को प्रदूषित होने से बचाने का, बुजुर्गों को पेंशन देने का, राशन कार्ड बनाने का, ये सब कार्य तो दिल्ली सरकार के पास है। आज इन सारे फील्ड में एक बार जाके देख लीजिए कि दिल्ली के लोग कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। इस दिल्ली में खाली बस शराब घोटाले की चर्चा है, बाकी इस दिल्ली में जिधर जाइए लोग दर्द से करा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के, और वो 15 साल कांग्रेस की थी, 10 साल आम आदमी पार्टी की है। आप स्वयं विचार करें कि वो दिल्ली अब इन लोगों के पास नहीं, तो खैर मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, लेकिन 6-7 महीना बाद दूसरा चाबी भी दिल्ली के विकास का मोदी जी को देगी, ताकि दिल्ली को सर्वांगीण विकास के रास्ते पे दौड़ाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ, और इन तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस चुनावी लड़ाई के लिए, चुनावी समर के लिए। धन्यवाद।